उत्तराखंड सरकार जल्दी ही नया भू कानून लेकर आने जा रही है। अगले बजट सत्र में नए प्रावधानों के साथ राज्य में नया भू कानून लाया जा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिन कानूनों में 2017-18 में ढील दी थी उनको राज्य सरकार वापस लेने जा रही है और बीसी खंडूड़ी साहब के कानूनों का लाभ लेकर जिन्होंने गलतियां की हैं उनको सजा देने की भी तैयारी राज्य सरकार कर रही है। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जब जनता सड़क पर होती है तो शासन पर दबाव पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लंबे समय बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया। बीजेपी का एक कार्यक्रम था जहां नए सदस्यों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक थी। सब लोगों को अंदाजा था कि बीजेपी की कार्यशैली और सदस्यता अभियान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ बात कहेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए तो उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में अपनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लेकिन बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोल दी। सबसे पहली बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही कि उत्तराखंड में जो आम आदमी को, उत्तराखंड के बाहर के व्यक्ति को 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति है उसका परीक्षण किया जा रहा है। यह परीक्षण इसलिए किया जा रहा है कि जनरल खंडूड़ी के समय में 250 वर्ग मीटर की सीमा तय कर दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति घर बनाने के लिए कृषि योग्य जमीन अगर कोई है तो उसमें 250 वर्ग मीटर की जमीन खरीद सकता है। नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम की परिधि से बाहर के लिए ही यह प्रावधान था, लेकिन इसमें लोगों ने तोड़ निकाल लिया और राज्य सरकार अब इसका परीक्षण कराने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी को सुनिए, फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के और भू कानून के दूसरे हिस्से पर मैं आऊंगा। जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को, जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 250 वर्ग मीटर जमीन में जिन लोगों ने गड़बड़ झाला किया है, एक ही परिवार के कई लोगों ने अगर जमीनें खरीद ली हैं तो उसका परीक्षण करने जा रही है सरकार। अब ये काम थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है कि 2007-08 के बाद कितने लोगों ने कितनी जमीनें खरीदी हैं, पहले तो इसका परीक्षण किया जाएगा, डेटा बनाया जाएगा और उसके बाद उन लोगों को खोजा जाएगा जिन्होंने वो जमीनें खरीदी हैं। अगर किसी ने जमीन के ऊपर मकान बना दिया, दुकान बना दिया, तो उस पर राज्य सरकार क्या बड़ी कार्रवाई कर पाएगी, ये एक देखने वाली बात है। पहले तो ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने लोगों ने इस कानून का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार अपनी मशीनरी लगा दे और ये पता भी लगा दे तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या क्या कानूनी प्रावधान है और किस तरीके से सजा का प्रावधान है। धामी साहब कहते हैं कि जमीनों का अधिग्रहण करके राज्य में निहित कर दिया जाएगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और विवादास्पद जो कानून था उसके संदर्भ में है। 2017 में मुख्यमंत्री बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगों को रियायत देने के लिए, उत्तराखंड में निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ लाभ देने की घोषणा करी थी। कानून ऐसे बनाए थे जिसमें 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की जो मंजूरी मिलती थी
कृषि की जो भूमि होती थी, 12.5 एकड़ जमीन अगर किसी को खरीदनी होती थी तो पहले उसे वो मंजूरी शासन से लेनी होती थी। यानी शासन स्तर पर बकायदा बैठक के बाद फैसला किया जाता था कि मंजूरी दी जानी है या नहीं दी जानी है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 बदलाव किए थे। पहला बदलाव, शासन तक फाइल ना आए, यानी काम का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो अधिकार दे दिए गए थे कि किसी जमीन को खरीदने की इजाजत अगर मांगी जाएगी तो जिला अधिकारी उसे मंजूरी दे सकते हैं। ये एक प्रावधान था। और दूसरा प्रावधान था जो उत्तर प्रदेश के समय से उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू है कि 12.5 एकड़ जमीन से ज्यादा खरीदने की इजाजत नहीं होती थी। उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फैसला किया कि अगर किसी उद्योग को ज्यादा जमीन की आवश्यकता है तो वो ज्यादा जमीन खरीद सकता है। यानी 12.5 एकड़ की जो सीलिंग थी, सीमा थी, उसको तोड़ दिया गया था। और पुष्कर सिंह धामी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 2017, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि 2017-18 में जो प्रावधान लागू किए गए थे उसका दुरुपयोग किया गया है। जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उनका डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है, जमीन जिस उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी क्या उसका पालन हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई, इसका परीक्षण राज्य सरकार की कमेटी कर रही है और यह पकड़ में आ गया है कि इसका दुरुपयोग हुआ है, इसलिए इसे बदलने पर राज्य सरकार बहुत गंभीरता से तैयारी कर रही है। और यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया था, हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है अभी तक। अब कमेटी ही तय करेगी कि क्या होगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मतलब अगर किसी होटल बनाने के लिए ज्यादा जमीन की आवश्यकता है, रिजॉर्ट बनाने के लिए ज्यादा जमीन की आवश्यकता है तो उद्योग के नाते उन्हें वो जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाती थी 12.5 एकड़ से ज्यादा की, और उद्योग के नाते वो इजाजत उनको मिलती थी और वो काम करते थे। लेकिन अब ये सारे के सारे प्रावधान खत्म होने जा रहे हैं, ये स्पष्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। अब एक बात होती है समय सीमा, कि ये समय सीमा कब है कि हम नया भू कानून लेकर आएंगे, लेकिन वो कब लेकर आएंगे इसको लेकर हमेशा ही संशय बना रहता है। धामी साहब ने आज स्पष्ट किया कि अगला बजट सत्र जो आएगा, यानी फरवरी या मार्च के महीने में जो बजट सत्र आता है उसमें वो इन प्रावधानों में जो भी बदलाव करने हैं, जो छूट जो रियायत दी गई है उसको खत्म कर देंगे और इसमें जो परिवर्तन होना है, लैंड जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है इनकी जिन धाराओं में परिवर्तन होना है उसे वो बजट सत्र में इंट्रोड्यूस कर देंगे, वहां से पास करा देंगे और तब नया भू कानून उत्तराखंड में अस्तित्व में आ जाएगा। ये बयान भी सुन लीजिए क्योंकि स्पष्ट बात अगर टाइमलाइन के साथ कही जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अब अगर 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछ लिया जाएगा कि वो भू कानून कहां है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद जरूर दिलाया जा सकता है। इस बयान को सुनिए, उसके बाद कुछ और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो साथियों आपने सुन लिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितने स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं। अब क्या सरकार इतनी आसानी से कोई भी बात मान जाती है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में मजबूत भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी पहले इस रैली में हिस्सा लिया करता था लेकिन अब मूल निवास
और मजबूत भू कानून को लेकर बनी हुई समन्वय समिति ने लगभग 7-8 रैलियां कर ली हैं। देहरादून से उन रैलियों की शुरुआत हुई थी और अब एक रैली प्रस्तावित है ऋषिकेश में। राज्य सरकार पर दबाव दिसंबर 2023 की रैली से ही बन गया था और तभी राज्य सरकार ने कुछ ऐलान कर दिया था, कुछ जो जमीन खरीदने के लिए जो परमिशन मांगी जा रही थी उन परमिशन को, उन इजाजत देने वाली एजेंसियों को साफ कह दिया था कि कोई मंजूरी ना दी जाए। और यह माना जा रहा था कि यही वो रास्ता है जिससे दूसरा भू कानून निकल सकता है, वो मजबूत होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। जैसे बाकियों में परिवर्तन हुआ, इस बार भी एक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो कितना असरगामी होगा, दूरगामी होगा, वो मालूम नहीं। अब जो समन्वय समिति है भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर, वो अपना आंदोलन और तेज कर रही है और राज्य सरकार भी जानती है कि लैंड यानी भू, एक भूमि एक ऐसी चीज है जिसको लेकर लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं और अब लोगों की बातों को सुनना है, क्योंकि जो उद्योगों के नाम पर जमीन खरीदने का नाटक कर रहे थे उन्होंने वास्तव में उसका उपयोग नहीं किया। राज्य में रोजगार सृजन पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ ही नहीं, तो इस भू कानून का कोई फायदा नहीं है। एक बात धामी साहब ने स्पष्ट करी कि कोई निवेश करने के लिए अगर आएगा तो उसे निश्चिंत रहना चाहिए, उसके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। अब यह बात की बात है कि दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो प्रावधान में बदलाव करने होंगे उसको लेकर कमेटी कैसे अपनी सिफारिशें करती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात तो स्पष्ट हो गया है कि सैद्धांतिक रूप से राज्य सरकार तैयार हो गई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में जो रियायत दी गई थी उन रियायतों को वापस लिया जाएगा, क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जब अनाउंसमेंट होता है तो जो कमेटीज बनाई गई होती हैं वो कमेटी उनके लिए रास्ता तैयार करती है, प्रावधान तैयार करती हैं और उसके बाद एक बिल के शेप में जो प्रस्तुत किया जाएगा विधानसभा के भीतर, वो देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अब देखना यह होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के भू कानून पर क्या क्या गलतियां धामी सरकार निकालती है, ऐसे कितने लोगों का वो चिन्हीकरण कर पाती है कि वास्तव में इन लोगों ने जमीन ली थी और इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। अगर वो नंबर सामने आ जाएंगे तो बात थोड़ा दूर तक जाएगी जरूर। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आग्रह मेरा यह है कि ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और खबर को शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।